डियर स्क्वाड ऑडियंस, वाओ आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक आपसे बात हो रही है। क्या बात है यार, एक साल हो गया पता ही नहीं चला। इस साल हम बहुत कम वीडियोस बना सके हैं और चैनल पर हमारा फोकस ही नहीं रहा। दरअसल सफा भी अपने मैट्रिक एग्जाम से बिजी थी, मरवा भी 9 में आ गई और उसे अपना स्कूल भी फुल स्विंग पर चल रहा था। पीछे बची मैं, मुझे मिल गई लॉन्ग ब्रेक। इस लॉन्ग ब्रेक में मैं घर गई हूँ, बासी हो गई हूँ। जब भी पापा को बताती हूँ तो वो कहते हैं बहना गौर होती रहना। कई बार दिल किया कि वीडियो बनाकर आपसे अपना बोरियत भरा दुख शेयर करूं, मगर कोई मेरा साथ ही नहीं देता था। आखिरकार मैंने सोच लिया कोई साथ दे ना दे मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपसे रब्ता करूंगी। इस पीरियड में मेरी बर्थडे भी गुजर गई। हाँ, घर में सेलिब्रेट हुई थी, बल्कि चंगी भली हो गई थी। इस साल मुझे मम्मा और पापा से कोई गिफ्ट नहीं मिला। ये अलग बात है कि पापा ने लाहौर ग्रामर स्कूल में मेरे एडमिशन को मेरे बर्थडे गिफ्ट में एडजस्ट करने की कोशिश की है। घर बैठे बैठे इतना बोर हो गई हूँ कि अक्सर पापा और मम्मा से पूछती हूँ मैं क्या करूँ। पापा कहते हैं मेरे घर में जकूटा जिन कहाँ से आ गया है, जो हर वक्त कहता रहता है मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ मैं किसको गाऊँ। जिन लोगों ने ऐनक वाला जिन ड्रामा देखा होगा वो जकूटा जिनको जानते होंगे, वैसे मैंने भी नहीं देखा। मामा की भी कोई हेल्प नहीं कर पाई, मगर वो जो छोटे छोटे काम करती हैं जैसे कि डस्टिंग वगैरह वो कर देती हूँ। इस बार 2 दफ़ा आउटिंग पर गए थे, 1 दफ़ा ज्वाइलैंड और 1 दफ़ा फन फैक्ट्री इम्पोरियम मॉल। ईद पर मामू लोग आए थे और ईद अच्छे से गुजर गई। यकीनन आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजरी होगी। चंद दिनों में मरवा भी और हुज़ैफ़ा की भी छुट्टियाँ होने वाली हैं। हम मिलकर फ़न करेंगे और नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे और आपसे रब्ता करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग।